तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे PUC के दूसरे टूर्नामेंट के मैच के साथ। और यहाँ पे आज 25 स्लॉट में से 22 स्लॉट ज्वाइन कर चुके हैं। और आज का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज काफ़ी नए टीम्स आए हैं, बहुत सारे नए टीम आए हैं जो कि काफ़ी अच्छा खेलते हैं। इनकी इनकी गेमिंग देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, कैसे खेलते हैं यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा टीम कहाँ पे उतरते हैं, क्योंकि सबसे पहले लैंडिंग ही लोग डिसाइड करता है। मतलब काफ़ी टीम के लैंडिंग और लूट डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कहाँ पे उतरते हैं। यहाँ पर प्लेन, यहाँ पर स्टेलबर से होके यहाँ पर क्वारी की तरफ जो घटका पार करके जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखना रहेगा कि कौन कहाँ नामता है। पर जॉर्ज पुल पे भी और पोचिंग की यहाँ पर नामने की उन लोगों का ज़्यादा स्क्वाड शायद वहाँ पर नाम सकते हैं। सेवर ने में भी टीम मेट्स होंगे वहाँ पर जाने वाला, और यासना में भी दो टीम तीन टीम यहाँ पर शायद शायद ही जाने को ले देखने मिल सकते हैं हमें। और यहाँ पे अभी तक तो कोई उतरा नहीं है, देखते हैं कौन कहाँ पे उतारते हैं। ज़्यादातर पोचिंग की भी नज़र रहेगा, पोचिंग की और यासना यहाँ पर उतरना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। और एक टीम यहाँ पे उतर चुका है, ये मुझे लगता है शायद यस्ता पोलियाना में जाएंगे। हाँ, यहाँ पर टीम यहाँ पर यहाँ पे काफ़ी टीमें उतर चुकी है, देखना इंटरेस्टिंग होगा कौन कहाँ पे जाता है। दो टीम यहाँ पर यसना जा रहे हैं, और बाकी यहाँ पर जो कि नाम स्कूल के तरफ शायद जा रहे हैं दो टीम। ये कंपाउंड ले रहे हैं और एक शायद वो टीम सी एक्स शायद और टीम सी एक्स रोजोक की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे जल्दी से इनको उतर जाना चाहिए, या फिर देखते हैं क्या लूटने को मिलता है। ये लोग उतर चुके हैं टीम सी एक्स, और यहाँ पर फाइट देखने को मिल सकता है हमें। देखो यहाँ पर पोचिंग की भी यहाँ पर दो टीम यहाँ पर तीन टीम जा रहे हैं, और जॉर्जपुल सिटी में भी एक टीम जा रहे हैं। और यहाँ पे टीम सी एक्स उतर चुके हैं रोजोक में, और यहाँ पे और यहाँ पर टीम एटी भी उस तरफ ही जा रहे हैं, जो कि मिलिट्री के वो ब्रिज के सामने जो पेरुल्पा में उस साइड उस तरफ भी शायद जाके वहाँ पर जो कि छोटा थोड़े बहुत कंपाउंड है वो शायद ही लूट के निकलना चाहेंगे वो। और यहाँ पे पोचिंग की में काफ़ी सारा टीम है, टीम हीरा है पोचिंग की पे, इसके बाद उसके अलावा फाइट टीम फाइटर भी है वहाँ पे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वहाँ पर शायद हमें काफ़ी अच्छा फाइट देखने मिल सकता है। और यहाँ पर टीम एटी पेट्रोल पम्प की ओर, और यहाँ पे हीरा लूट रहे पोचिंगी में। पोचिंगी पे यहाँ पर टीम दो टीम है शायद, दो टीम या तीन टीम है, दो टीम है। 22 टीम नंबर 22 है और यहाँ पर टीम नंबर 19 यहाँ पर है। इन लोगों के बीच अगर फाइट देखने को मिल सकते हैं कुछ ही देर में, हमें एक फाइट देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे टीम नॉर्थ ईस्ट के बंदे ये लोग कहाँ पे उतरे हैं, यहाँ पर फ्रिक्स के यहाँ पर क्लैन की तरफ से यहाँ पर फाइट देखने को मिल सकता है, जो कि प्रीमोक्स पे यहाँ पर दो टीम यहाँ पर शायद है, दो या तीन टीम यहाँ पर शायद है। और वहाँ पर टीम नंबर 23 जो कि टीम नंबर 7 फेरी पेयर लूट रहे हैं, यहाँ पर टीम नंबर 25 यहाँ पर प्रीमोक्स जो कि लूट रहे हैं, वो लोग सामने ही वो दूसरा टीम है वहाँ पर फाइट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे फेरी पेयर पे दो टीम है, यहाँ पे एक टीम और ये क्या, ये ड्रीम ब्रेकर के सेनापति खुद गेम में नहीं घुस पाए हैं, इनके सैनिकों को आगे भेज दिया है बेचारा का। एक बंदा नहीं घुसा हुआ। हाँ, उनको तो रूम में तो देखने को मिला था, लेकिन ये लोग क्यों अंदर घुस नहीं पाए बेचारा। तीनों लोग है, सिर्फ एक बंदा शायद प्रॉब्लम होगा, शायद वो नहीं घुस पाया बेचारा। सैनिकों में तो पैनिक हो जाएगा बेचारा, सेनापति खुद गेम में नहीं घुस पाया। और यहाँ पर टीम 23 यहाँ पर है, कौन सा जगह है, फेरी पियर ना क्या, कौन फेरी पियर के पास ही है कोई जगह होगा, उधर लूट रहे हैं। और यहाँ पर इनके सामने एक एक बंदा यहाँ पर, इन लोगों का पता नहीं है, शायद ठीक सामने ही है लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर टीम 11 की टीम 11 के क्या नाम है ये, प्रकाश बोरा, यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर बचा हुआ मतलब अकेला पर गया है, ये छुप रहा है उन लोगों के, मतलब पोजिशन नहीं दे रहे हैं। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि क्या ये स्पॉट होते हैं या नहीं। और यहाँ पे इनकी नसीब काफ़ी अच्छा है, इनको देखने को नहीं मिला, ये बच गए हैं, निकल गए वो लोग पीछे से, निकल शिकर मना रहे हैं। और यहाँ पे शेल्टर पे शायद किसी को देखा था मैंने, और शेल्टर पे वो लोग गए शायद। हाँ, कौन सा टीम था वो, पोचिंग हाँ, की मिल्टर शेल्टर वाला क्लैन का नाम क्या दिया था, मियां खलीफा का क्लैन वहाँ पर है। और यहाँ पे हमें पोचिंग की में शायद फाइट देखने को मिल सकता है, यहाँ पे दो या तीन टीम है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर यूएसओ रॉन्ग यहाँ पर कॉलर होने के जा रहे हैं, यहाँ पे हमें एक फाइट देखने को मिल सकता है क्योंकि काफी आसपास है ये गाड़ी से। टीम एटी और यहाँ पे है ड्रीम फाइट हो चुका है, यहाँ पर नॉक हो चुका है, रॉन्ग गए फायर किए बगैर ही चले गए, यहाँ पर नॉक हो चुके हैं टीम एटी के साथ, यहाँ पर उन लोगों का फाइट हो चुकी है। लेके यूएसओ रॉन्ग को देखना दिलचस्प रहेगा कि इनको रिवाइव मिलता है या नहीं, क्योंकि ये लोग तीन बंदे हैं, इनके सेनापति खुद गेम में नहीं घुस पाए हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप में कुछ चैटिंग कर रहे थे उतने में गेम स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पे टीम एटी पूरे के पूरे चार बंदे यहाँ पे देखने, यहाँ पर टीम यहाँ पर शायद ही वो लोग नहीं बचेगा। यहाँ पर दो नॉक हो चुके हैं टीम एटी, यहाँ पर आप लोगों की टीम है जो कि
अच्छा खेलता और है। यहाँ पे टीम फ्रिक्स के दो नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा इनको रिवाइव मिलता है या नहीं। टीम फ्रिक्स का यहाँ पर एक बंदा नॉकआउट उसके पास है, वो शायद रिवाइव नहीं मिलेगा, ख़त्म कर देगा वो। यहाँ पर दो लोग को तो रिवाइव मिल जाएगा। यहाँ पर 23 के टीम के एक बंदे ने ख़त्म कर चुका है, कर दिया है। यहाँ पर 25 के यहाँ पर अभी भी तीन बंदे, दो बंदे को रिवाइव कर रहे हैं, एक बंदा रिवाइव हो चुका है। और यहाँ पे टीम सी एक्स टीम सी एक्स का भी यहाँ पर फाइट हो चुका है शायद। और यहाँ पे इनको एक किल मिल चुका है, ये लोग एक किल मिल चुका है। हाँ, और एक को नॉकआउट कर दिया है। एक नॉकआउट की आशा में वो थोड़े दूर में बैठे हुए हैं। टीम 13 वर्सेस टीम टू यहाँ पर। इनकी गेम भी इंटरेस्टिंग होगा देखने में, ये लोग कैसे खेलते हैं। ये लोग हमारे टूर्नामेंट में इस बार फर्स्ट ज्वाइन किए हैं, जो कि हो जाए से है। टीम नंबर ये 13 और टीम नहीं, टीम नंबर टू। और यहाँ पे टीम नंबर 13 जो कि टीम नंबर 13 यहाँ पर डी बी एस के वाई एन ओ, ये लोग भी हो जाए से है। और यहाँ पे ये लोग भी हो जाए से क्या? जी जी हाँ, तो यहाँ पर हो जाए, वैसे हो जाए। यहाँ पर टीम लग चुके हैं। यहाँ पर ये दो टीम में से एक टीम का एल लगने वाला है, वो देखना देखना टीम इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर एक खत्म कर चुका है, खत्म कर दे। यहाँ पे टीम सीएक्स को दो किल मिल चुका है, दो खत्म हो चुका है, दो बचा हुआ है अभी भी। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमें एक फाइट देखने को मिल सकता है, टीम नंबर टू। और टीम नंबर कौन सा था ये? टीम नंबर शायद 13 था क्या? हाँ, 13 यहाँ पे दो बंदे हैं टीम सीएक्स के। यहाँ पर चारों बंदे पुश करते हुए यहाँ पर एक फाइट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे शायद कोई नॉक हुआ है, नॉक कर दिया है, को यूजी से नॉक कर चुका है। और यहाँ पर एक बंदा अभी बचा हुआ है, ये टीम 13 का एक बंदा बचा। चारों के चारों ऊपर आके पुश करते हुए रश कर चुके हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा खेलते हुए नंबर 13 यहाँ पर एक को नॉक कर चुके हैं। और यहाँ पर बहुत कम हेल्थ की वजह से यहाँ पर वो गेम से बाहर, काफ़ी कम हेल्थ के वजह से बाहर निकल चुके हैं। और यहाँ पर टीम टू आगे बढ़ते हुए अच्छा खेला है, पर यह टीम 13 अच्छा खेला वो। उसको बस कवर का ज़रूरत था, जो कवर के और हेल्थ नहीं था उसके पास, और चारों बंदे आगे थे। यहाँ पे पोचिंग की में दो टीम है आमने सामने, यहाँ पे हमें एक तगड़ा फाइट देखने को मिल सकता है। कोचिंग के भी यहाँ पे टीम फाइटर और एक टीम था। और यहाँ पे टीम 11 के एक नॉक हो चुके हैं, दो नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा इनको रिवाइव मिलता है या नहीं मिलने की उम्मीदें बहुत ही कम है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर टीम 3 के साथ वो लोग फाइट ले चुके हैं, टीम 3 यहाँ पर पुश करते हुए, यहाँ पर आगे जाके एक को पूरा फिनिश करते हुए, और यहाँ पे घर पे घुस के एक किल जोन्स को यहाँ पर फिनिश किया है इन्होंने नॉक का फायदा लेते हुए। अभी भी वो उन लोगों की टीम का एक बंदा नॉक है। अभी क्या यहाँ पर रिवाइव देने को मिल सकता है या नहीं? यहाँ पर रिवाइव नहीं हुआ, यहाँ पर वो भी फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पर 2v4 यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर 11 के बंदे दो है। यहाँ पर 3 के बंदे यहाँ पर चारों के चार आगे पुश करने की कोशिश में। और यहाँ पे इनको इनके एक मेंबर को 3 किल मिल चुका है और एक को सिर्फ एक किल। इसके साथ ये लोग 4 किल के साथ शायद सेकंड पोजीशन पे है। यहाँ पर काफ़ी दूर है वो लोग, बिल्डिंग पर है वो लोग, 3 फ्लोर बिल्डिंग पे वो। और यहाँ पर टीम 11 के यहाँ पर फाइटर LBT और प्रकाश बड़ैया दोनों ही बचे हुए हैं, दोनों यहाँ पर आउट हो चुके हैं गेम से। और यहाँ पे गटका पे दो टीम है आमने सामने, यहाँ पे एक फाइट देखने को मिल सकता है गटका पे यहाँ पर। और यहाँ पे हमें एक फाइट देखने को मिल सकता है, सामने एनिमी है। यहाँ पे टीम नंबर 24 और टीम नंबर 14 शायद ट्रस्ट ऑफिशियल है, टीम नंबर 14। हाँ, यहाँ पे एक फाइट देखने को मिल सकता है, जो MTP तरुण काफ़ी आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे SBRI निंजा जो कि ट्रस्ट ऑफिशियल के हैं, इन दोनों के बीच में एक फाइट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा इनकी फाइट। 24 टीम भी पीछे है वहाँ पर, और यहाँ पे MTP की पूरी स्क्वाड है पीछे। और यहाँ पे एक बंदा देखने को मिल रहा है, 14 यहाँ पर अकेला पड़ गया है। यहाँ पर रिक्स, बहुत ही रिक्स है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत अकेला है और ये इनके तरफ ही आ रहे हैं 24 की टीम, MTP डेविल। और यहाँ पर और एक बंदा आ रहे हैं इस तरफ, दो बंदा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे अकेला पड़ चुका है, और यहाँ पे MTP डेविल ने रेड डॉट लगा के दिया है M416 से। और यहाँ पे ख़त्म SBRI निंजा पूरी की पूरी डैड। इनके तीन मेंबर अभी बचा हुआ है, देखना इंटरेस्टिंग होगा ये लोग क्या करते हैं। वैसे पर डेविल यहाँ पर, और यहाँ पे डेविल का एक टीम आ चुका है वो लोग मदद करने के लिए यहाँ पे।
इनके बीच में और इनके बीच में अभी फाइट बाकी है, यहाँ पे एक फाइट बाकी है यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे टीम नंबर 11 के सॉरी टीम नंबर 14 के और दो मेंबर बाकी है यहाँ पे, और टीम 24 इनके काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ पर यसना में भी यहाँ पर तीन टीम है यहाँ पर, यहाँ पे भी हमें एक फाइट देखने को मिल चुका है, जो XTF जैन जो कि 12 टीम नंबर 12 के है और टीम नंबर 16 आगे है, और लेफ्ट साइड पे यहाँ पर टीम नंबर 10 यहाँ पर है, लोग बीच में रह गए हैं वो लोग। अब दोनों तरफ से वो लोगों को बीच में अभी झेलना पड़ेगा, अगर लेफ्ट से भी अगर वो लोग आया और लेफ्ट से भी अगर वो लोग पुश करेंगे अगर करा और राइट से भी अगर 10 वाला लोग आएंगे तो वो लोगों को दिक्कत झेलना पड़ेगा, वो लोग ख़त्म हो सकता है वहाँ पर। और यहाँ पे टीम नंबर 19 ने किसी को यहाँ पे अभी अभी मारा है, यहाँ पे ये लोग लूट रहे हैं, टीम यहाँ पर किसी को ख़त्म करके अभी यहाँ पर पूरे के पूरे स्क्वाड यहाँ पर उन लोगों ने वाइप आउट किया। मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे, अभी भी टीम 17 बाकी है, लास्ट की तरफ में हमें काफ़ी अच्छा फाइट देखने को मिलेगा वहाँ पे जोन में, जोन जितना छोटा होते रहेगा तब आदमी ज़्यादा होते रहेगा अंदर में, तब हमें काफ़ी अच्छा फाइट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे शूटिंग रेंज में एक ड्रॉप आया है, ड्रॉप के आसपास किसी को नज़र नहीं आ रहा है, ड्रॉप के आसपास कोई नहीं है। और यहाँ पे MTB डेविल यहाँ पर नॉकआउट कर चुके हैं, और टीम नंबर 14 के एक बंदे को चुके हैं, जो कि पहले वो लोग एक बंदे को ख़त्म करके वो लोग आगे बढ़ रहे थे। काफ़ी अच्छा खेल रहा है ये बंदा डेविल काफ़ी अच्छा खेल रहा है, डेविल अच्छा खेल रहा है। नितेश यहाँ पर आगे बहुत ही आगे चले गए, पुश कर रहे हैं, और यहाँ पर और यहाँ पे शायद MTB डेविल यहाँ पर कवर बहुत ही अच्छा कवर देते हुए एक को नॉक करके यहाँ पर एक बंदा बचा, और यहाँ पे MTB नितेश ने और एक को ख़त्म कर दिया है, ये भी ख़त्म, पूरा स्क्वाड ख़त्म, वो लोग पूरा स्क्वाड बाहर निकल चुके हैं, इनको नज़र रखना पड़ेगा, ये लोग काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। हाँ यहाँ पर रोजोक पे भी यहाँ पर दो टीम है फाइट देखने को मिल सकते हैं हमें, यहाँ पर टीम नंबर 23 और टीम नंबर 7 इनके बीच एक फाइट देखने को मिलेगा रुइंस पे, जो कि वो लोग फाइट ले चुके हैं, एक को नॉक कर दिया है यहाँ पर टीम नंबर 7 को, 7 के बंदे को एक को नॉक कर दिया है, अभी और एक बंदा का हेल्थ यहाँ पर बहुत ही कम है, यहाँ पे नेट के बाद नेट देखने को मिल रहा है, कनेक्ट नहीं हुआ, पर वो नेट कनेक्ट होता तो शायद ही वो भी एक नॉकआउट हो जाता था वो भी। यहाँ पे एक नॉक है शायद, एक नॉक है टीम नंबर 7 के बंदे, यहाँ पर दो लोग इस साइड हैं और दो लोग उस तरफ हैं, जो कि टीम नंबर 23 का भी ऐसा हाल में बैठे हैं, वो लोग दो यहाँ पर फाइट ले रहे हैं, दो वहाँ पर फाइट ले रहे हैं। आज मेरा शरीर कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, क्यों मानी क्या हुआ क्या मालूम होता है काफ़ी गर्मी चल रही है इसमें यहाँ पर, और यहाँ पर ये दो टीम से यहाँ पर एक टीम या लोबी वापस जाएंगे, अभी कौन सा टीम जाएगा तो। और यहाँ पे गॉड राल्फ मौत की काफ़ी नज़दीक था, शायद मर चुका है, यहाँ पर पूरा एडवांटेज है लेकिन 23 का, क्योंकि उन लोगों का एक बंदा ख़त्म हो चुका है और एक बंदा काफ़ी हेल्थ लो में बैठा हुआ है, और यहाँ पर पुश कर दिया है यहाँ पर 23 के एक टीम ने आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर नॉक भी कर चुका है इन्हें, और डेट पूरा खाया, पूरा डेट किया है, पूरा फिनिश किया है। अब यहाँ पर दो ही बंदे बचे हुए हैं टीम नंबर 7 के, जो कि एक बंदा उसको बुलेट कनेक्ट हो रहा है, जो कि हेल्थ कम हो चुका है और नॉक कर चुका है उन्हें, नॉक करके शायद ख़त्म कर दिया है, अब एक बंदा बचा हुआ है सिर्फ, वो एक बंदा नहीं दो बंदा ही बचा हुआ था, सॉरी यहाँ पर दो बंदा बचा हुआ था, एक को नॉक किया है अभी, और एक एक बचा हुआ है यहाँ पर, जो कि नाम क्या है वुल्फ किंग ना यहाँ पर, कौन यहाँ पर नॉक कर दिया है एक को, एक बंदा बचा है हेल्थ लो के साथ, और फिनिश किया है यहाँ पर उन लोग पूरा का पूरा स्क्वाड यहाँ पर लॉबी वापस टीम नंबर 23 आगे निकलते हुए फाइट से। यहाँ पे जोन के काफ़ी दूर दूर बहुत सारे टीम है, टीम नंबर 24 जोन से काफ़ी दूर है, और यहाँ पे एक टीम नंबर 11 भी जोन से काफ़ी दूर है, जोन के बाहर बहुत सारा टीम है, 25 भी जोन के बाहर है, जिनको अंदर आ जाना चाहिए, बाद में ये भाई पड़ सकता है अगर उनको गाड़ी नहीं मिला तो, वो लोग जोन के अंदर कैसे। और यहाँ पर देखो यहाँ पर दो टीम फिर से, यहाँ पर दो टीम और एक टीम आ चुके हैं यहाँ पर, इन दोनों के टीम में भी यहाँ पर फाइट हो चुके हैं, एक फाइट ख़त्म हुआ है यहाँ पर, टीम 3 यहाँ पर आ चुके आ गए, यहाँ पे 23 ने टीम नंबर 23 ने और एक फाइट ले लिया है यहाँ पे, टीम नंबर 3 यहाँ पर, टीम नंबर 3 के साथ, टीम नंबर 3 आया था यहाँ पर शायद, और यहाँ पर 23 के साथ यहाँ पर फाइट हो चुका है, कुछ ही देर पहले इन्होंने एक स्क्वाड को यहाँ पर ही एक स्क्वाड ख़त्म किया था, फिर यहाँ पर और एक टीम आ चुका है, तो यहाँ पर इन दोनों में अभी यहाँ पर काफ़ी तगड़ा फाइट देखने को मिल सकता है। टाइम जितना पास होते जा रहा है उतना अच्छा फाइट हमें देखने को मिल रहा है, कुछ देर बाद हमें ऐसा होगा कि किसको देखे, यहाँ पर कार 98 लेके यहाँ पर फाइट होने जा रहा है टीम नंबर 3 के, यहाँ पर कार 98 से बुलेट कनेक्ट करने की कोशिश,
टीम नंबर 23 के बंदे को यहाँ पर कनेक्ट हुआ है शायद, काफ़ी हेल्थ लो होते हुए हीलिंग कर रहे हैं। और ये क्या, ये स्मोक ये कहाँ पर डाल दिया भाई, ये ऊपर पर स्मोक लग गया। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। हाँ, इस गेम में काफ़ी सारा मैजिक देखने को मिल सकता है हमें। यहाँ पे अभी भी टोटल 13 टीम है, 45 प्लेयर अभी भी सरवाइव करते हुए। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आज का मैच कौन ले जाता है, कौन ले जाता है। ये तो मैच के अंतिम आखिर समय पर पता चलेगा कि कौन टीम आपको पर कौन कौन सा टीम के ऊपर भरोसा है कि जीत सकता है, कमेंट पर लिखिए। आपको क्या लगता है कौन सा टीम जीतेगा? यहाँ पर दोनों ही टीम यहाँ पर अपने अपने जगह पर होल करके बैठे हुए हैं। MTP वाले कचरे का है, इनके ऊपर भी मैं थोड़ा सा डाउट है मेरा, जीतने का चांसेस शायद है इनको। MTP यार, MTP अच्छा बंदा, यहाँ पे शायद अच्छा हमें एक फाइट देखने को मिल सकता है MTP और AT के बीच। और यहाँ पे जैसे टाइम जा रहा है काफ़ी टीम आपस में कोलाइड हो रहे हैं, और ये लोग अभी भी यहाँ पर ही है फाइट, यहाँ पर कोई नॉक नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पे टीम नंबर 3 और टीम नंबर 23, टीम नंबर 3 के शायद दो ही बंदे बचे हैं, टीम नंबर 3 के कहा दो बंदा, चार चार के चारों के चार, एक बंदा अभी नॉक हुआ है, एक बंदा अभी नॉक, दो नॉक हो चुका है, दो नॉक कर दिया है टीम नंबर 23 के बंदे ने। यहाँ पर 23 के एक बंदा गाड़ी लेके वहाँ पर लेफ्ट से फ्लैंक करने की कोशिश कर रहा है शायद। यहाँ पर 23 के ये UF अरिजीत यहाँ पर नॉक कर दिए दो लोग को, और एक बंदा भी आ रहा है जो कि नॉक होने वाले हैं। बस 1.5 HP पर 0 HP बोल सकते हैं हम, 0 HP पर ये कवर फायर दे रही है। कनेक्ट होगा क्या, या गोली और कनेक्ट हो चुका है, ओके। यहाँ पर तीनों बंदे यहाँ पर डाउन हो चुका है, और यहाँ पर एक बंदा बचा है, वो गाड़ी लेकर शायद ही इस तरफ से जा रहे हैं उन लोगों को बचाने की कोशिश में, पर यहाँ पर कनेक्ट करते हुए M4 से, और यहाँ पर M4 के बुलेट ख़त्म होते हुए AKM से भी कनेक्ट करते हुए, पर नहीं लगा मुश्किल है, रेड डॉट लगाकर जो कि दिया था दम लगा के हाइशा, जो कि वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हुआ है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है, ख़त्म कर देंगे शायद, जो एक बंदा बचा है क्या ये ख़त्म होगा। और यहाँ पर पूरा टीम नंबर 3 यहाँ पर, और टीम नंबर 3 ख़त्म नहीं हुआ था, नॉक वाला ख़त्म हो गया। यहाँ पे 23 का फैच चेक कर लें, इनको 7 ख़त्म हो गया ना। हाँ ख़त्म हो गया, शायद एक बंदा बचा है, नहीं बचा वो, और यहाँ ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर टीम नंबर 24 MTP के ना, कौन सा है, हाँ MTP डेविल यहाँ पर टीम नंबर 24, इनकी चारों के चारों बंदे अभी भी हैं ठीक आगे पे, वहाँ पर भी फाइट हो रहे हैं शायद। टीम नंबर 10 के टीम नंबर 10 के किसी को ख़त्म किया है वहाँ पर पूरा का पूरा, जो कि फाइट ले रहा है अल्फ्रेड यहाँ पर कनेक्ट करते हुए, कनेक्ट करने की कोशिश में यहाँ पर AKM से दे रहे हैं टीम नंबर 24 को यहाँ पर कनेक्ट करते हुए, नहीं लगा पर एक भी बुलेट नहीं लगा। यहाँ पर टीम नंबर 10 यहाँ पर एक कंपाउंड में एक टीम को ख़त्म करते हुए यहाँ पर कंपाउंड होल्ड करके बैठा हुआ है। उनके पास थोड़ी सी एडवांटेज है कि ये रूम के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बाहर बहुत सारी टीमें, हंगरी टीम बाहर है जोन के बाहर, और टीम 80 यहाँ पर जोन के अंदर आ चुके हैं, मार बोर्ड भी पास ही है जो कि जोन का बॉर्डर पे है। यहाँ पर हंगरी टीम भी यहाँ पर निकल रहे हैं अभी गाड़ी लेके, आगे हमें आगे टीम नंबर 5 को भी देखने मिल रहा है जो कि MJ रोमन वहाँ पर है, जो वो लोग आसपास ही है, फाइट देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारे टीम यहाँ पर, और यहाँ पे शायद एक मार्स स्क्वाड को देखने मिला था अभी मुझे, मार्स स्क्वाड है वहाँ पर ही, कौन सी जगह पर था वो लोग, टीम 80 यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर टीम 16 को, पर गोली बुलेट यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुआ है काफ़ी तेज़ से निकलते हुए। अच्छा स्प्रे तो बढ़िया दिया था, अगर कनेक्ट हो जाता तो डाउन टेक डाउन कर लेता वो लोग। यहाँ पर बहुत करेंगे, यहाँ पर बहुत सारा टीम यहाँ पर आसपास ही आमने सामने, यहाँ पे ब्रिज कैंपिंग करके बैठे हैं टीम नंबर 11 के शायद दो बंदे बचे हैं, और यहाँ पर टीम नंबर 8 के जो कि हंगरी टीम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर ठीक ब्रिज के नीचे आगे ही दो टीम है और पीछे भी टीम है, इन लोग अगर दो टीम के अगर बीच इन लोगों को स्पॉट कर देता है तो ये लोग यहाँ पर फिनिश हो सकता है। टीम नंबर 16 पीछे से आते हुए यहाँ पर टीम सिक्सटीन के यहाँ पर श्रिंक हाउसन यहाँ पर आगे जाते हुए शायद ही किसी को स्पॉट कर लिया है वो लोग, और ठीक आगे MJ रोमान है यहाँ पर टीम नंबर 5 के, जो कि अकेला बंदा है शायद, जो कि हेल्थ का में शायद उसे ख़त्म स्पॉट कर चुका है शायद, ख़त्म करने की कोशिश में जा रहे हैं, और यहाँ पर खत्म कर दिया इस यहाँ पर टीम नंबर 16 के थीप शॉक ने यहाँ पर ख़त्म किया है उन्हें।
और यहाँ पे हमें और एक फाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे तीन टीम आमने सामने हो चुके हैं, टीम नंबर 8, टीम नंबर ब्रिज के नीचे पे यहाँ पर कोई कैम करके बैठा है, टीम नंबर 11, टीम नंबर 11, तीन टीम है यहाँ पे। टीम नंबर 6 भी पीछे ही है, यहाँ पर टीम 6 के एटी रोहन यहाँ पर शायद स्पॉट कर चुके हैं टीम नंबर 8 को। यहाँ पर TF का क्रिस, यहाँ पर टीम नंबर 8 के बंदे एक जो कि कनेक्ट करने की कोशिश में M16 को सिंगल में रखते हुए, पर शायद कनेक्ट नहीं हुआ। और वो लोग भी कवर पे, रिच पे, वो लोगों को जोन पे आना पड़ेगा लेकिन क्योंकि लोग जोन पे नहीं है। यहाँ पर 11 का बंदा शायद ही काफ़ी छुपते हुए, शायद क्योंकि दो बंदे ही है, वो लोग काफ़ी कवर लेते हुए खेल रहा है। यहाँ पर टीम पर काफ़ी आगे बढ़ते हुए टीम नंबर 16 लोगों को जोन पर निकलना होगा, जोन पे नहीं होगा तो वह दिक्कत होगी। और यहाँ पर हेरा के टीम नंबर 19 यहाँ पर कुछ कंपाउंड यहाँ पर होल्ड करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर फाइट हो चुका है उस तरफ। TF नानू यहाँ पर प्रकाश बरा को नॉक करते हुए पूरा फिनिश कर दिया है, ख़त्म कर चुका है। यहाँ पर एम की तरुण यहाँ पर स्प्रे देते हुए, काफ़ी अच्छा स्प्रे देते हुए एक बंदा नॉक, और ये लोग भी नॉक हो चुके हैं। 24 की MTB जो कि ख़त्म हो चुका है, तरुण और देविल यहाँ पर दो बंदा ख़त्म। MTV के शायद एक बंदा ही बचा हुआ है जो कि आगे 25 के टीममेट को जो कि भारी पड़ चुका है, जो कि एक बंदा ने यहाँ पर दो लोग को नॉक कर दिया है। टीम नंबर 23 यहाँ पर हील कर रहे हैं, वो जोन में नहीं है, वो गाड़ी लेके शायद वो आगे आना पड़ेगा। TF नानू यहाँ पर एजेंट स्प्रे करते हुए टीम नंबर 6 के एक बंदा को नॉक कर दिया है। टीम 80 के इरफान को यहाँ पर नॉक कर चुका है। यहाँ पर नेट एक फेंका है, क्या ये नेट कनेक्ट होगा या नहीं? नहीं। MTP नितेश यहाँ पर काफ़ी अच्छा गेम प्ले, अच्छा गेम खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। टीम नंबर 25 के दो बंदे को ख़त्म कर दिया है और इनके दो मेंबर बाकी है अभी। हाँ, नॉकआउट पड़ा हुआ है, वो लोग ख़त्म हो जाएगा। ये एक बंदा ये तो जोन से ख़त्म हो जाएगा। ये तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जोन काफ़ी दिक्कत दे सकता है अगर बाहर बैठा तो। और यहाँ पर टीम नंबर 10 भी जोन के सपोर्ट में नहीं है, उन लोगों को बहुत आगे जाना होगा। टीम नंबर 10 के जैसा जैसा टाइम जा रहा है जोन भी काफ़ी डैमेजफुल बनता जा रहा है, इसीलिए जल्द से जल्द इन लोगों को जोन के अंदर आ जाना चाहिए क्योंकि जोन इनकी। और यहाँ पर डिमांड जीत, यहाँ पर हंगरी के टीम यहाँ पर ब्रिज के ठीक नीचे है और आगे ही, और लेफ्ट साइड से 10 टीम 10 है और उसके ठीक फिर लेफ्ट ऊपर तरफ से 16 भी आ रहे हैं पीछे से। और यहाँ पर टीम नंबर 8 डिमांड जीत जो कि रॉक के कवर लेके बैठा हुआ है। TF क्रिस यहाँ पर ब्रिज के नीचे पर है जो कि पीछे वाले टीम को यहाँ पर देख रहे हैं, मार रहे हैं, जो कि आने नहीं, मतलब वहाँ पर ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर MTP नितेश भी यहाँ पर हीलिंग कर रहे हैं और इन्होंने स्पॉट कर चुका है टीम नंबर 10 को जो कि स्प्रे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर दो नौ के एक को AKM से कनेक्ट करने की कोशिश की पर नहीं हुआ। और यहाँ पर 24 टीम के MTP नितेश को यहाँ पर मार दिया है, टीम 80 के बॉस ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है और पूरा MTP नितेश निकल चुका है। काफ़ी अच्छा खेला था, 7 में 6 किल कर चुका था टीम खेला तो अच्छा खेला था, वो एक अकेला बंदा बस ही रह गया था, इसलिए वो अकेला बंदा बहुत दिक्कत था क्योंकि टीम बहुत सारा था। और यहाँ पे NKV टीम 8 के पूरा का पूरा 4 है ना अब तक? 4 यहाँ पर नहीं, 3 है, हंगरी का 3 है। और यहाँ पर टीम नंबर 19 दो बंदे नॉक हो चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ दो बंदे बचे हैं जो टीम यहाँ पर 80 के साथ लगा हुआ था, पर 80 यहाँ पर ख़त्म कर दिया हेरा डोंजन को। अब तीन बंदे ख़त्म हो गए, एक बंदा बचा हुआ है और यहाँ पर शायद इसे भी स्पॉट कर दिया है और ख़त्म कर दिया है, पूरी की पूरी हीरा स्क्वाड को ख़त्म कर दिया है। 80 यहाँ पर गजब का खेलते हुए पूरा स्क्वाड डाउन करते हुए और यहाँ पर नॉक हो चुके हैं। फिर थीप के टीम के एक बंदा नॉक हो चुका है यहाँ पर। और ये टीम नंबर 10 यहाँ पर दासिया लेके पानी की ओर जोन के तरफ जा रहे हैं और उस तरफ काफ़ी फाइट हो रहा है। टीम 80 की तरफ से भी फाइट हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तीन टीम अभी भी सर्वाइव है और सर्वाइव करते हुए यहाँ पे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कौन जीतता है। यहाँ पे टीम 6 के ठीक आगे है और टीम 8 यहाँ पर राइट साइड पे जो कि ब्रिज के तरफ ही है, वो लोग होल्ड करके बैठा हुआ है। यहाँ पर तीन टीम अलग अलग पूरा ट्रायंगल शेप में यहाँ पर है। अभी देखना ये है कि किसके तरफ से फाइट देखने को मिलता है और कौन यहाँ पर आउट होता है, कौन सा टीम यहाँ पर पहला जाता है।
इन तीनों टीम से। यहाँ पे देखते हैं अभी जोन किसका मदद कर रहा है। जोन यहाँ पर टीम नंबर 8 को यहाँ पर दिक्कत देने देगा शायद, क्योंकि वो लोग जोन के ठीक बॉर्डर के पास है और वहाँ पर जोन शायद ही नहीं बनेगा। और यहाँ पर स्प्रे देने स्प्रे की कोशिश नॉक करने की कोशिश पर नहीं हुआ, नॉक हो चुका है, एक बंदा नॉक हो चुका है, टीम 80 का एक बंदा नॉक हो चुका है जो कि इरफान नॉक हो चुका है। यहाँ पर ऑफलाइन जोरो भी यहाँ पर टीम 80 का देते हुए एक बंदे को पूरा ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे डिमांजीत भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं ये लोग, यहाँ पर जीतने की चांसेस काफ़ी है। यहाँ पे देखते हैं कौन जीतता है। टीम 80 के यहाँ पर रोहन और यहाँ पर एक बंदा आसिफ यहाँ पर लूट रहे हैं, शायद ही वो लोगों का लूट थोड़ा कम हो गया है। यहाँ पर टीम 6 का एक बंदा बहुत ही आगे जाते हुए, उसे ध्यान में रखना होगा क्योंकि लेफ्ट टीम पे लेफ्ट या राइट से अगर दोनों टीम से अगर कोई भी टीम अगर उसके तरफ स्पॉट हो जाता है, वो अगर स्पॉट दिख जाता है तो काफ़ी दिक्कत देगा, वो ख़त्म हो जा सकता है टीम के बाहर। पीछे से कोवर है, इतना ज़्यादा घबराने की इतनी बात पीछे से तो हाँ कोवर है, पर यहाँ पर ऑफलाइन जोरो भी यहाँ पर टी एफ क्रिस यहाँ पर नॉक हो चुका है जो कि हंगरी टीम के थे, टीम नंबर 8 के एक नॉक हो चुका है। पर स्मोक की कोवर बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। और यहाँ पर टीम 80 के आसिफ यहाँ पर ARK को यहाँ पर नॉकआउट कर दिया है। और यहाँ पर टीम 6 के यहाँ पर सिर्फ दो बंदे बचे हैं। और यहाँ पे मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे हंगरी के जो कि टीम नंबर 8 है इनके भी दो है और टीम 80 के शायद तीन, टीम 80 के तीन बंदे नहीं दो बंदे हैं, एक बंदा ख़त्म हो गया वो। और यहाँ पर टीम 10 के यहाँ पर वाइपर DNA यहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश कनेक्ट करने की कोशिश पर यहाँ पर नहीं हुआ। और यहाँ पर शायद TF Chris को देख लिया है और TF Chris को वो उसने नॉकआउट कर दिया है शायद, और यहाँ TF Chris को हाँ नॉकआउट कर दिया। डिमांजीत भी यहाँ पर नॉकआउट है और यहाँ पर ख़त्म कर दिया है डिमांजीत को टीम 80 रोहन ने जो कि फ़ायदा लिया है। और यहाँ पे TF नानू यहाँ पर कोवर लेके बैठा हुआ है, अकेला बंदा बचा हुआ है। इस पर मोली अब गिर चुका है, दिक्कत होगी अब यहाँ पे, ये क्या ये बचेगा या फिर हील करके हील कर लेगा खुद को। और यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे टोटल 7 मेंबर अभी भी अलाइव करते हुए तीन टीम है यहाँ पे, जो कि टीम नंबर 8 के एक बंदा है और टीम 80 के शायद दो या तीन है। और ऑफलाइन जोरो के या ऑफलाइन टीम नंबर 10 के यहाँ पर तीन बंदे हैं। यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ पर हंगरी टीम का यहाँ पर एक बंदा ही बचा हुआ है और नॉक कर दिया है, नॉक कर दिया ऑफलाइन जोरो को। यहाँ पर ऑफलाइन जोरो ने टीम 80 को नॉक किया था और TF नानू ने यहाँ पर ऑफलाइन जोरो को यहाँ पर ख़त्म करते हुए और यहाँ पर TF नानू पर फिनिश करते हुए टीम 80 रोहन वाइपर DNA को नॉकआउट करते हुए TF नानू एक बंदा को नॉकआउट करते हुए। और यहाँ पे शायद अभी दो ही टीम बचे हैं, यहाँ पे दो ही टीम बचे टीम 80 के दो मेंबर और ऑफलाइन जोरो यहाँ पर फिनिश हो चुका है। और यहाँ पर टीम नंबर 8 का एक बंदा और टीम 80 का दो बंदा अभी भी यहाँ पे सर्वाइव करते हुए देखने, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कौन जीतता है। यहाँ पे सोलो वर्सेस डुओ हो चुका है और यहाँ पे टीम 80 का भी एक नॉक हो चुका है, टीम 80 को एक नॉक हो चुका है। और यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है मैच, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन जीतता है। और यहाँ पे स्प्रे की कोशिश और यहाँ पे शायद ये टीम 80 का ये बचना शायद थोड़ा सा मुश्किल है, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर दिक्कत होगी अगर टीम 6 को इसको रिवाइव मिल जाएगा तो वो लोगों को पूरा पोजीशन पता है, वो लोग पूरा रोटेट करके एक राइट लेफ्ट करके आकर इसे पूरा ख़त्म करना चाहेंगे। और टीम 8 को अभी TF नानू यहाँ पर उसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश और ख़त्म कर दिया है उन्होंने। अभी 1v1 सिचुएशन कर दिया यार इसने, 1v1 सिचुएशन अब यहाँ पे एक पूरा पेयर के पूरा सपोर्ट में बैठा हुआ है वो, जो कि पूरा एडवांटेज है और जोन भी उसी की तरफ है थोड़ा सा। शायद TF नानू यहाँ पर रिच की थोड़ा सी मदद लेते हुए जो लेटे हुए वो मतलब इंतज़ार कर रहा है कि वो कब मतलब उसे अपने आप को वो बाहर निकाले और तभी मौका में चौका मारे। यहाँ पर देखना होगा कि कौन आगे कौन सेकंड में आता है कौन फास्ट आता है। यहाँ पर 80 के पास सपोर्ट है पेड़ का, वो आराम से पेड़ के पीछे बैठा हुआ है। यहाँ पे वन हीलिंग सिचुएशन है, 1v1 है, देखते कौन जीतता है। इसके पास भी थोड़ा सा मदद है रिच का,
अभी देखते यहाँ पर क्या होता है। अगर यहाँ पर नेट शायद नेट अगर देखने को मिलता तो बहुत दोनों टीम तरफ से तो एक बंदा यहाँ पर शायद नेट से ख़त्म हो जाता था। अगर टीएफ नानू के पास शायद नेट नहीं है कि इसलिए वो नेट नहीं करे, क्योंकि वो पोजिशन तो पता है वो पैर के पीछे है। शायद अगर नेट हो जाता था, अगर नेट वो कनेक्ट अगर होता और होके वो मारता तो शायद ही यहाँ पर ये गेम उसका नाम होता शायद, या फिर होगा अभी थोड़ी देर भी बाद पता चलेगा, या यहाँ पर टीम एटी यहाँ पर लेके जाएगा या फिर टीम टीएन हंगरी के टीम यहाँ पर ले जाएगा यहाँ पर। अब देखना ये होगा यहाँ पर, जो कि खुद को बार के बार हील करते हुए यहाँ पर खुद को बूस्ट देते हुए। हाँ टीम जोन भी इनके मदद में है, देखते हैं क्या होता है। जोन अब बिल्कुल बीचों बीच, हाँ 1v1 सिचुएशन, क्या लगता है कौन जीतेगा? इनके दिल तो धक धक कर रहे होंगे। हाँ इन लोगों के टीममेट्स का बहुत ही पीछे से वो आ रहा होगा, मतलब या ये करो वो करो, मतलब उधर है, मतलब बहुत ही सपोर्ट आ रहा होगा और सब लोग हाथ पे हाथ धेरे बैठा होगा कि कौन जीतेगा क्या होगा। अब यहाँ पर दोनों टीम के भी दोनों टीम के अब यहाँ पर जो मर चुके हैं वो बंदे भी उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे। और इन लोगों का बस यहाँ पर बहुत इंटेंस चल रहा है। यहाँ पर 1v1 यहाँ पर कोई भी निकलने को नाम नहीं ले रहा है। बस दोनों बंदे भी अपने ही पोजीशन पर बैठा हुआ है, कोई भी हिलने का नाम नहीं है। यहाँ पे बेचारा लोग इंतज़ार करते करते भी थक गया होगा, कौन कब उठ के आएगा, कब मारने मिलेगा। यहाँ पे टीम यहाँ पर सबसे टेंशन अब इन दोनों का टीममेट्स के ऊपर होगा, जो कि उन लोगों को देख रहा है, क्योंकि दोनों भी मतलब चिकन डिनर के बहुत करीब है। मतलब दोनों में से एक टीम तो उन लोगों को भी पता है, एक टीम तो आगे ही जाने वाला है, एक टीम तो पीछे रहने वाला है। और यहाँ पे टीम आशीष के और यहाँ पर टीम आशीष को उसे स्पॉट कर चुका है। और यहाँ पर चिकन डिनर यहाँ पर मिल चुका है टीम एटी की गजब का हायर स्किल लेते हुए। और यहाँ पे टीम एटी ने जीत हासिल की और दो नंबर पे आ चुके हैं हंगरी किलर। और काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये मैच, तो आज का मैच सिर्फ इतना तक। और इसी थर्सडे को यानी 18 जून को हमारी और एक मैच है जिसकी ज्वाइनिंग फीस 100 रुपीज़ पर स्क्वाड है। और अगर आप इंटरेस्टेड है, खेलना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उसमें से कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और मिलते हैं अगली टूर्नामेंट में। सो बेस्ट ऑफ लक।